सरकार की बड़ी अच्छी योजना है, हमारी महिलाओं के बारे में इतना अच्छा सोचा है, हम महिलाओं के खाते में 1500 रुपया डाला जा रहा है। मेरा नाम सुवर्णा ठाकुर है, मैं डिस्ट्रिक्ट चंबा से बोल रही हूँ। मैं सुविंद्र सुक्खू जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने महिलाओं के लिए इतनी अच्छी योजना बनाई है। अभी तक कुछ महिलाओं के खाते में 1500 डाल दिए गए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही आगे जो महिलाएं बची हैं उनके खाते में भी डाल दी जाएँ। मेरे घर द्वारों में है और मैं यहाँ दफ्तर में फॉर्म भरवाने आई हूँ। कैसी योजना है ये? सुक्खू सरकार की ये एक अच्छी योजना है जिसमें महिलाओं को घर बैठे ये 1500 रुपये मिलेंगे। मुझे मैं नगोड़ी से आई हूँ और मैं कल्याण भवन में आई हूँ। यहाँ जो सरकार की तरफ से हर महीने 1500 देने का जो लागू किया गया है योजना, उससे ज़्यादातर बुजुर्ग महिलाओं को फ़ायदा है और जो बच्चा स्टडी कर रहा है आगे, जो मेरी जो कमजोर फैमिली से बिलोंग करता है उसके लिए पढ़ाई करने के लिए ये बहुत अच्छी सुविधा है। चंबा में अभी तक लगभग 35,000 फॉर्म जो है इंदिरा गांधी प्यारी बहनों सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हमारे पास आ गए हैं। लंबी लंबी कतारें रोज देखी जा रही है, कार्यालय के बाहर और कार्यालय के सामने बहुत ज़्यादा रश है। तो महिलाएं जो हैं इस योजना को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। अभी तक जिला चंबा में 1245 महिलाओं को ये राशि जारी कर दी जा चुकी है, जो 16 मार्च 2024 तक हमारे पास जो फॉर्म प्राप्त हुए उन सभी को हमने ये सुख सम्मान निधि योजना की जो अमाउंट थी वो क्रेडिट कर दी है। और पहले दिक्कत ये आ रही थी थोड़ी कि लोग जो थे, जो दूसरे लोग थे, वो यहाँ पे आ रहे थे ऑफिस में और यहीं पे साइन कर रहे थे और यहीं पे फॉर्म भर रहे थे महिलाओं के, तो हमने उनको मना कर दिया है, महिलाएं ही आ रही हैं तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रश बहुत ज़्यादा है। तो विभाग का प्रयत्न है कि व्यवस्थित तरीके से सारा काम हो जाए और सभी महिलाओं के फॉर्म, जो भी पात्र महिलाएँ हैं उनके फॉर्म हम ले रहे हैं और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिला चंबा में जो है रश जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये सुबह से शाम तक 9:30 बजे लोग यहाँ पहुँच जाते हैं, 5:30 तक ये लंबी कतारें देखी जा रही हैं। तो लोगों में, महिलाओं में खासकर बहुत ज़्यादा उत्साह है स्कीम के तहत। सर कौन कौन सी महिलाएँ आवेदन कर सकती हैं इसमें? इसमें वही महिलाएँ अपने आवेदन कर सकती हैं जो जिनके परिवार में, मान लो जिनके हस्बैंड कोई सरकारी नौकरी में नहीं है और या खुद नौकरी में नहीं है और सोर्स वर्कर नहीं है, मिड डे मील वर्कर नहीं है या कोई इनकम टैक्स पेयर नहीं है, जीएसटी नहीं पे करती है, तो इस तरह से ऐसी महिलाएं जो है अप्लाई कर सकती हैं।